हेलो दोस्तों, रिव्यू करेंगे G5 पर लॉन्च नया ट्रेलर धूमकेतु का। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा। मुख्य भूमिकाओं में हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऋचा चड्ढा, रागिनी खन्ना, अनुराग कश्यप, रघुवीर यादव और इला अरुण। जैसा कि ट्रेलर में देखने को मिलता है कि यह कॉमेडी ड्रामा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक पैशनेट राइटर के रूप में दिखाए जाते हैं जो कि बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं। ये सपना संजोए वो कहानियाँ लिखते रहते हैं। उनके घर में कोई उन्हें कुछ समझता नहीं है। उनके पिताजी, घर वाले, सिर्फ एक बुआ है जिनका किरदार निभाया है इला अरुण ने, वही इनकी कहानियाँ सुना करती हैं। ये एक टिपिकल फैमिली ड्रामा है जो मध्यम वर्गीय परिवार से उठ करके आती है। एक नौजवान युवक जो कि एक बड़े लेखक बनने का सपना लेकर के पैदा हुआ है, अपनी कहानियाँ लिखता है और लोगों को सुनाता है, लेकिन कोई भी उसकी कहानी सुनने को तैयार नहीं है, बहुत ही परेशान है। एक दिन उसका जमीर जागता है और वो अपना बक्सा उठा करके मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ कहानी शुरू होती है अनुराग कश्यप की, जो कि एक घूसखोर पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है। उनके घूसखोरी के किस्से उनके डिपार्टमेंट से लेकर के उनके 10 साल के बच्चे तक को पता है। फिल्म की कहानी में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि अनुराग कश्यप और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन दोनों को एक एक महीने का टाइम मिलता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक महीने का टाइम मिलता है जिसमें वो अपनी एक स्क्रिप्ट कंप्लीट करके बॉलीवुड के डायरेक्टर को दे सकें, और अनुराग कश्यप को उनके सीनियर उनको एक महीने का टाइम देते हैं कि वो किसी केस को सॉल्व करना है। अगर दोनों ऐसा नहीं करेंगे तो दोनों को लिए ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अनुराग कश्यप की पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पर कर दी जाएगी जहाँ पर वो घूस नहीं खा सकते हैं, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का शायद पहला और आखिरी मौका होगा, इसलिए दोनों ही परेशान हैं। अब दोनों ही मुख्य किरदारों में क्या कनेक्शन है, इसको देखने के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा फिल्म के रिलीज होने का, जो कि OTT प्लेटफॉर्म G5 पर 22 मई को रिलीज हो रही है। दोस्तों आपको बता दें, COVID-19 के चलते हुए इस समय कोई भी फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खुलने के बाद भी हो सकता है कि फिल्में रिलीज हो पर हम आप जैसे दर्शक उनको देखने के लिए ना जाएं, हर आदमी डरा हुआ है। तो इस सिचुएशन में अगर इस तरह की फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा तो ये बहुत अच्छा है हमारे आपके लिए। सिर्फ कुछ पैसे खर्च करके आप इनका सब्सक्रिप्शन लीजिए और इनको घर में बैठ करके एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ में। इस ट्रेलर में कुछ बॉलीवुड के बड़े सितारों का कैमियो रोल भी देखने को मिलता है, जैसे अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा और चित्रंगदा सिंह। ट्रेलर से यह फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा लग रही है। ट्रेलर में कुछ कॉमेडी डायलॉग के साथ में हमें एक कोल्ड रूम ड्रामा भी देखने को मिलता है। जैसा कि ट्रेलर में देखने को मिल रहा है, इस फिल्म में बड़े बड़े कलाकारों के नाम जुड़े हुए हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा, रघुवीर यादव और सबसे बड़ी बात नवाजुद्दीन से। बाकी तो पूरी फिल्म देख के मालूम पड़ेगा, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों ठीक है, इंतजार करते हैं फिल्म के रिलीज होने का। तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।